तेरी जोत जड़ा भरे घर के मां। सुबह सुबह का टाइम है, जिस जिसके घर में प्रेमदास बाबा की जोत जड़ती है, एक बार आप देखा हो लगा ले सरकार, आप भी ठाकरे बात बिगड़ रही है, अनपढ़ हो रही है प्रेमदास बाबा का। देखिए अपना ढक्कन था वो बिच्छू को परोलता रख दिया। अब बिच्छू उस ढक्कन में कैद, दोनों ने आराम से खाना खाया, बाहर सोना था तो बैठक में पोड़ी मांगे। बाहर आए थे बाहर को चोर गुरबराट करने लग रहा, बुला रहा, सुना भीतर था सेठ ने, और ये बुजुर्ग बैठे कहा करते थे कि बढ़िया बावन बुद्धि होया करती थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब तो इंटरनेट वाईफाई का जमाना, गूगल पर सर्च मारो बुद्धिया की बुलाई लग गया। लेकिन चतुर थे, बाहर से जब आवाज छोड़ी कि होना हो बाहर को चोर से, सेठ ने सेठानी का इशारा कर दिया, सेठ सेठानी ऊंची आवाज में बोली, मिले सुनो पप्पू के पापा, बोले हाँ के चारा हो गया, आपको मेरी सामने आ रही उठी बनवा के लिए थे लाख सवा लाख का हीरा चढ़वा के मन में भूल गई। सेठ छोंग आया, गुस्सा होया, मैं तो बावड़ी है तने नहीं, मेरा मन अपना पेट काट काट के गर्पिया जोड़ जोड़ के तेरी गुठी बनवाई, और तो उसने नुए भूल गई। सेठानी हाथ जोड़ के बोली, मिले ना जी इतनी बावड़ी ना लगा रही, वो अंगूठी मन अपने रसोई घर मटके के ढक्कन में चदर रखी। चोर बाहर खड़ा सुनाया था, उसने सोची क्यों सारा कारोबार गांव छाड़ू, पूरे थोड़ी देर बाद देखने की सोन की, और उन्हें सोना चुनता जान बुझ के भीतर का आवाज बंद कर दी, और चिमनी में मार दी फूंक। चोर पूजा दीवार ठेठ रसोई क्या नो उम्र करी चाह सका, सीधी सांकल खोली, अंधेरे में मटके का ढक्कन टटोड़ा, और उसके नीचे सरकार जी हाथ, वो बिच्छू कई घंटों से कैद था, गुस्सा बिच्छू ने बह रहा था, बिच्छू ने चोर तक कस के मारे, चोर की आंगले में डंक, चोर का सर ले रहा 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 रहा, वो सेठ जाके चला पैर के सरों में मेरा भी कर दिया। तो जो इस राम के नाम पर चल पड़ता है ना, शुरू शुरू में दिक्कत आओ है, फिर बड़ी मीठा सा हो, क्या बात है नंबर चार में। बिगड़ी बनाने वाले भगवान
बनाने वाले भगवान तेरे
आदमी कीड़ी को कण हाथी को मन, यानी कि सबकी व्यवस्था परमात्मा करके भेजते हैं। दो नंबर में अत्याचारी अत्याचारी हो लिए वो गंधारी के सौ पुत्र, लेकिन जब द्रौपदी ने पुकारा आपको तो आपने उसका चीर बढ़ाया, लिहाज बचाई, यानी कि हर लाइन में सार हुई। अगली में जब लंकापति रावण ने उस दशकंदर ने हवा पानी सबको अपने वश में कर लिया था, त्राहिमाम त्राहिमाम होगी थी, लेकिन जब ऋषियों ने आपको पुकारा तो हे प्रभु आपने राम के रूप में अवतरित होकर के उसका कुटुंब सहित संहार किया और भक्तों का उद्धार किया। कहने का मतलब भगवान हमेशा भगत के वश में है। नंबर तीन में क्या बता दिया, मस्जिद गुरु तुम्हारे सब क्या है मैं तो ही नहीं।